मुझे बात बताओ, क्या बात बताओ? इसके अलावा और कोई बात नहीं है। आप हम दोनों के बीच में आग लगाना चाह रही है ना, तो लगा। लेकिन हसन आपकी बात पर कभी यकीन नहीं है। खामोश ज्यादा, इस तरह की मारकर मरने की कोशिश मत करो। तो अस्सलाम अरे 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 ड्रामा देख रहे अल्लाह अस्सलाम वालेकुम जुबेरिया आपी, अस्सलाम वालेकुम असद बिनत फातिमा से। और बड़ा इंतज़ार करने के बाद जो है फाइनली ये और पता है थोड़ा इनको शक पड़ गया था कि जब मैं यहाँ आगे गया हूँ तो मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद शक पड़ गया इनको कि क्या कुछ होने वाला है अचानक से। और फाइनली ये वो वाहिद ड्रामा है कि जिसने जो है नायाब हो गई आप तो नायाब हो गई आप तो और ये वो वाहिद ड्रामा है कि जिसने ज्वेरी आपी हमारी दोपहर की रूटीन डिस्टर्ब की हुई है। रिपीट में देखते हैं और हमारा टी टाइम 3:30 होता है और सब लोग 3 बजे बाहर होते हैं इस ड्रामे के लिए। अल्लाह ज्वेरी आप ही देखे कितना खुश हो रहे हैं, कितनी दुआएं दे रहे हैं आपको दिल से। बड़ी बात है आज मैंने आपको याद किया था। मैंने तो कहा ज्वेरी आप बिजी हो गई हैं, अब कहाँ हमें लिफ्ट करवाएंगी। थैंक यू ज्वेरी आप भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मसरूफियत से टाइम निकालने का ज्वेरी आप ही। और हमें देखिए सबके चेहरे पर कितना अच्छी स्माइल दे रही हैं, देखिए कितने खुश हो रही हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ये छोटी छोटी खुशियाँ जो कि आप सब लोग इन माँ को दे सकते हो, ताकि हाँ। ये ना कहे कि हम लोग अकेले हैं। ठीक हाँ। है, नमाज पढ़ते हैं, सतहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन अपने दिल और दिमाग को खुला रखने के लिए यहाँ बैठ के बाहर भी देखना चाहिए, बाहर की दुनिया हाँ। देखनी चाहिए हाँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज्वेरिया को 2 टाइम देखते हैं ये ये रिपीट में भी हमें आगे लगाया हुआ है। मैक्सन को कहती हूँ कि 3 बजे क्यों सब लोग बाहर आ जाते हैं, थोड़ा आराम किया करो जी। वो कहती है नहीं, वो नंद लगना है, इसलिए हम लोग बाहर आ गए। अल्लाह जजाक अल्लाह ज्वेरी आप ही बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा मूड चेंज कर दिया, हम सब नंद से बाहर आ गए। शुक्रिया कि आपको आके किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। हाँ ये तो है ये। अच्छा सर सर का ना, आप में से कितने लोगों को ऐसी नंद मिली है? अल्लाह ये मैं नहीं दिखा सकता, तो शोर शराबा शुरू हो गया जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सबकी चलें चलें जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप बताए ना आपने कैसा फील किया? तो ये सब मुझे हल्की आवाज में पूछ रहे थे, क्या हम मैं सामने आ जाता हूँ, ये मुझे सब हल्की आवाज में पूछ रहे थे कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई ना, क्योंकि मैं हैरान था इतनी ऊंची आवाज में, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था इतनी तेज आवाज में, मैं क्या चल रहा था, स्टोरी पता चली, फिर मैंने वो क्लिप बनाया। अब मुझे ये उस वक्त पूछ रहे थे कि क्या हम पूछ सकते हैं कि आगे क्या होगा, फिर पता नहीं फिर मुझे मौका देते कि वो माफी मांग लेते हाँ। फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं
एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। हमें नहीं बताइएगा पूछ के। थैंक यू जवेरी, आप एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं आप अचानक आई, आपको कैसा लगा बिनते फातिमा? बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई, और मैं सोचूं मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन जिस वक्त मेरी जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ड्रामा नहीं आता। सरप्राइज के लिए और इतनी दुआएं समेटने के लिए हमारा मूड चेंज कर दिया आपने, इनको मुस्कुराहट देने के लिए। देखे ना, सबके चेहरे खेल उठे हैं। वाह भाई वाह, नंद से तो बाहर आ गई आज आप। इतना अच्छा करेक्टर। अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे और ऐसे लोगों में रखे जो सबको इस तरह खुशियां बखेर रहे हैं और चेहरों पे स्माइल बेख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं जो देख रहे हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, प्लीज ऐसे बनिए, ऐसी नंद बनिए जो पर्दे के पीछे जो है वो मुस्कुराहटें बखेर रही है। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और अपने रिश्तों को, नंद का है जिसका भी है, उसको गले से लगा के रखिए। जवेरी आपकी क्विकली छोटा सा मैसेज। बस मैं ये कहूँगी कि रिश्ते जो होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह होते हैं कि जैसे हमारे अपने हमारी अपनी तबीयत होती है। कभी हम खुश रहते हैं, कभी हम उदास होते हैं, तो हमारे रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। जब वो खुश होते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो उदास होते हैं तो हमें वो बुरे लगने लग जाते हैं। तो जब वो उदास हो तो उनको खुश करें, अच्छे बुरे जो भी रिश्ते हैं उनको गले से लगाएं, क्योंकि मोहब्बत बांटेंगे तो नफरत भी मोहब्बत में बदल जाएगी। क्या बात है, मैं मेरे हाथ में कैमरा में तालियां बजाता। माशाल्लाह, क्विकली छोटा सा मैसेज। इतना बिजी मसरूफ होने के बावजूद जेरी आप इन्हें अचानक एंट्री दे दी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है ये, अल्लाह पाक इसको सेहत दे और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे। क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं शोबिज के लोगों से, जैसे अब ये लोग बाहर नहीं जा सकते तो ये टीवी देख के अपना टाइम कुछ पास कर लेते हैं जी, तो इनको अच्छे 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 सबक दें और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं और खुशियाँ दें। तो इसी तरह ही बस कि खुशियाँ बांटें अपनों में, गैरों में, इर्द गिर्द में, जहाँ जहाँ भी आपकी नज़र जाती है खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। हाँ। खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती हैं। बेशक तो बेशक बांटें। थैंक यू थैंक यू। चलो जी, ये तो यहाँ बड़ी गपशप गॉसिप शुरू हो गई है। मैं चाहूँ तो इसको भी मैं नोट करूँ। तो पूरी मैं गॉसिप शुरू हो गई है। चले बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं सपोर्ट करते हैं बिनते फातिमा को, और मैं कहूँगा नन देखते रहे, नन देखते रहे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।